एक राजा की भी इतनी हैसियत नहीं कि वो अपने आप को चींटी कह सके, क्योंकि चींटी अपने आप में पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं, इसीलिए वो मौज में है। पर चींटी अगर अपने सिर पे हाथी का मुंह लगा ले, सूंड लगा ले, तब वो ना तो चींटी रहेगी ना हाथी रहेगी। और इंसान ऐसा ही करता है, इसलिए इंसान दुखी है। इंसान अपने इंसान होने में सुखी नहीं है, वो अपने प्रति हीन भावना से भरा है, और यही उसका दुख है कि वो अपनी पूर्णता को नहीं जानता कि वह अपने आप में पूर्ण है। इंसान होना उसकी पूर्णता है, पुरुष का पुरुष होना उसकी पूर्णता है, स्त्री का स्त्री होना उसकी पूर्णता है, और किन्नर का किन्नर होना उसकी पूर्णता है। स्त्री अपने आप को किन्नर नहीं कह सकती, पुरुष किन्नर नहीं कह सकता, तो वह जो किन्नर है वह भी पूर्ण है। समस्त संसार में जो भी कुछ है सब पूर्ण है। वेदांत के अंतर्गत बहुत सारे उपनिषद हैं, और उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। और इस ईशावास्य उपनिषद में लगभग 18 से 20 श्लोक हैं। तो एक एक करके हम सारे श्लोकों का अध्ययन करेंगे, उनको समझेंगे, उनसे क्या पाया जा सकता है वो हम ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। आज हम पहले श्लोक पर, पहले मंत्र पर चर्चा करेंगे, जो कि शांति पाठ के रूप में दिया गया है। उस पर पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से एक बार उस पर करेंगे। उस मंत्र के अनुसार वह जो आत्मा है, जिसे आत्मा कहा जाता है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, उस मंत्र के अनुसार वह पूर्ण है, और उसके अनुसार आप भी पूर्ण हैं। तो हम इस चर्चा के माध्यम से ये समझेंगे कि किस तरह से हम पूर्ण हैं, और यदि हम पूर्ण हैं तो उसके बाद भी हमारे जीवन में इतना दुख, इतनी अशांति, इतनी हीन भावना से हम क्यों जीते हैं, हम स्वयं को आधा अधूरा ही क्यों पाते हैं। और फिर ये भी समझेंगे कि यदि हम पूर्ण हैं ही, यदि हम में कोई कमी है ही नहीं, तो फिर हम कुछ भी करें नहीं क्या, क्या हम चुपचाप बैठ जाएं? तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हमको इस चर्चा के माध्यम से मिलेंगे। और स्क्रीन पर जो कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, फूल, पशु पक्षी दिख रहे हैं, उनको भी ध्यान से देखते चलना। तो शांति पाठ क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ऋषि यहाँ कह रहे हैं कि वह पूर्ण है, और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है, तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बचा रहता है। क्या कह रहे हैं? कि वह जिसे ब्रह्म कहा गया है, वह जिसे आत्मा कहा गया है, वह पूर्ण है, और यह जो जगत है जिसे तुम संसार कहते हो, ब्रह्मांड कहते हो, जिसे तुम अस्तित्व कहते हो, यह जो समस्त सृष्टि है, यह भी पूर्ण है। और क्यों पूर्ण है? क्योंकि पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है, क्योंकि यह जो समस्त सृष्टि है, यह उसकी रचना नहीं है, यह उसकी अभिव्यक्ति है। इन सारे सवालों के जवाब हम समझेंगे कि किस तरह से अभिव्यक्ति है, किस तरह पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है। और आगे ऋषि यह भी कह रहे हैं कि यदि पूर्ण से पूर्ण को निकाल लिया जाए तो भी पूर्ण ही बचता है, और पूर्ण में अगर कुछ मिला भी दिया जाए तो भी पूर्ण ही होता है। इन सब का क्या अर्थ है वो हम समझेंगे एक एक करके। तो यहां पर कहा जा रहा है कि पूर्ण से जो निकलता है वह भी पूर्ण ही होता है। तो यह जो समस्त सृष्टि है यह भी पूर्ण है। क्यों पूर्ण है? क्योंकि यह उस पूर्ण से निकली है, उस पूर्ण की अभिव्यक्ति है। तो वह जो पूर्ण है उसको आप जान नहीं सकते, सीधे सीधे डायरेक्ट आप उसको जान नहीं सकते। तो आप किसे जान सकते हैं? इस प्रकृति को जान सकते हैं, क्योंकि इसका आपको अनुभव होता है। यदि इस प्रकृति में आप पूर्णता को जान लेते हैं तो आप ये जान पाएंगे कि हाँ, वह पूर्ण है, इसीलिए उसकी जो अभिव्यक्ति, ये संसार है, ये सृष्टि है, यह भी पूर्ण है। फिर अगर यह भी पूर्ण है तो इससे जो निकलता है वह भी पूर्ण होना चाहिए।
अभी आप पूर्ण पूर्ण में उलझ रहे होंगे, तो पहले उदाहरण से समझिए। सबसे पहले समझिए अभिव्यक्ति क्या है, किस तरह ये सृष्टि उसकी अभिव्यक्ति है। एक बीज होता है, बीज की अभिव्यक्ति क्या है? वृक्ष। बीज से पौधा निकला, पौधे से वृक्ष बना और वृक्ष से वापस बीज निकला। तो बीज की अभिव्यक्ति क्या है? वृक्ष है। वृक्ष इतना विशाल है, इतना बड़ा है, क्या हम कह सकते हैं कि बीज के अंदर ही वो छुपा है? इस तरह तो हम कह नहीं सकते, किंतु निकला वहीं से है। तो ये जो इतना विशाल वृक्ष हमें दिखाई दे रहा है, वह बीज की ही अभिव्यक्ति है। तो अभिव्यक्ति का अर्थ क्या हुआ? रचना नहीं होता है। अभिव्यक्ति का अर्थ रचना नहीं होता है। जब हम कहते हैं ना कि संसार की रचना किसने की, संसार को किसने बनाया, यहीं पर हमारी गलती हो जाती है। हम समझते हैं किसी और ने बना दिया, संसार की रचना हो चुकी है और वो कहीं बाहर बैठा है। तुम इस संसार को देखो, तो उस पेड़ को देखो, वो पेड़ क्या बन चुका है? वो पौधा बना, फिर धीरे 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 करके बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, खत्म तो नहीं हुआ ना, एकदम रुक तो नहीं गई उसकी रचना। तो इसलिए वो रचना नहीं है, वो अभिव्यक्ति है। बीज अभिव्यक्त हो रहा है वृक्ष के रूप में। इसी तरह से वह जो पूर्ण है, वह इस सृष्टि के रूप में ही अभिव्यक्त हो रहा है। तो जिस प्रकार वृक्ष बीज की अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार ये समस्त सृष्टि भी उस पूर्ण की, उस ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। फिर हमने कहा था कि वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, माने वह जो आत्मा है, वह जो ब्रह्म है, वह भी पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। और यह जो, यह माने उसकी जो अभिव्यक्ति है, वह भी पूर्ण है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। अब इसको समझो, बीज क्या पूरा नहीं है? बीज क्या आधा पौधा और आधा बीज है? नहीं है। बीज मतलब बीज, बीज को आप तभी बीज कहोगे जब वो बीज होगा। बीज के अलावा अगर वो कुछ और है तो उसे आप बीज नहीं कहोगे। जैसे एक गिलास पानी है, उसको आप पानी कह रहे हो, लेकिन पानी में आपने कुछ रंग मिला दिए, मान लो ऑरेंज कलर का रंग मिला दिया, उसमें शक्कर डाल दी, अब तुम उसे पानी नहीं कहोगे, अब तुम उसे शरबत कह दोगे या कुछ और, ग्लूकोज कह दोगे, जो भी उसका नाम हो, जूस कह दोगे, लेकिन उसे पानी नहीं कहोगे। वो पानी कब तक है? जब तक वो पानी है। तो बीज अपने आप में बीज है, पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं है। कब? जब वो बीज है तो वह भी पूरा है। बीज से जो निकला, क्या निकला? वृक्ष निकला, सबसे पहले पौधा निकला। तो पौधे को भी पौधा कब कहोगे? जब वो पौधा है। पौधा अगर 15 फीट ऊंचा हो गया, लंबा चौड़ा, उसे पौधा कहोगे क्या? उसे तो वृक्ष कहोगे ना। पौधे को पौधा कब कहोगे? जब वो पौधा है। तो बीज से पौधा निकला, पर पौधा भी पूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो पौधा है। ये जो पौधा निकला है बीज से, इसको वापस बीज के अंदर डाल दो, अब उस बीज को तुम पौधा कहोगे क्या? बीज को पौधा क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि बीज बीज है, बीज पौधा नहीं है। लेकिन बीज से जो निकला वो पौधा है, अब उस पौधे को तुम बीज नहीं कहोगे। इसी तरह ये पौधा जब बड़ा होगा तो ये वृक्ष हो जाएगा। अब बीज से निकला पूर्ण पौधा, पूर्ण पौधे से निकला पूर्ण वृक्ष, तो वृक्ष भी पूर्ण है, वृक्ष को तुम बीज नहीं कहोगे। चूंकि पौधा पूर्ण था इसलिए उससे वृक्ष निकला, वो भी पूर्ण है। वृक्ष को ना तुम पौधा कह रहे हो, वृक्ष को ना तुम बीज कह रहे हो, वृक्ष को वृक्ष कह रहे हो, क्योंकि वो वृक्ष है। तो श्लोक क्या कह रहा है, मंत्र क्या कह रहा है? कि वह भी पूर्ण है और ये जो सृष्टि है ये भी पूर्ण है। और वह पूर्ण है, इसका प्रमाण क्या है? कि पूर्ण से पूर्ण निकलता है। और हम देख रहे हैं कि सृष्टि अगर पूर्ण है तो सृष्टि से जो निकलता है वह भी पूर्ण ही होना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि पूर्ण है बीज और उससे जो निकल रहा है पौधा वह भी पूर्ण है। पौधा पूर्ण है तो पौधे से जो निकल रहा है वह भी पूर्ण है, वह क्या है? वृक्ष है। तो पूर्ण से पूर्ण निकल रहा है, अर्थात पूर्णस्य पूर्णमिदम् पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, पूर्ण से जो निकलता है वह भी पूर्ण है। तो अब इस संसार में जो कुछ भी है, अब जरा उस पर नजर डालो, तुम हैरान होगे कि तुम भी पूर्ण हो, जो है सब पूर्ण है, कुछ भी कम नहीं है, किसी में कोई खोट नहीं है। लंगड़ा लूला हाथी घोड़ा जानवर पशु पक्षी गंदगी मल मूत्र कुछ भी अपूर्ण नहीं है, सब पूर्ण है।
इसको एक उदाहरण से और समझो। एक औरत है, उसने 10 बच्चों को जन्म दिया। औरत अपने आप में औरत है, वो आदि औरत आदि आदमी नहीं है, वो औरत है, वो पूर्ण है, वो औरत है, इसलिए हम उसको औरत कह रहे हैं। अब उसने 10 बच्चों को जन्म दिया, बच्चे भी पूर्ण ही है, चूंकि औरत पूर्ण थी इसलिए उससे जिनकी उत्पत्ति हुई वह भी पूर्ण है, और उत्पत्ति क्या, वो भी औरत की ही अभिव्यक्ति है, वह जो स्त्री है उसी की अभिव्यक्ति, 10 बच्चे हैं तो वह भी पूर्ण है। अब इन बच्चों में कोई लड़का होगा, कोई लड़की होगी, तो लड़की को लड़की क्यों कह रहे हो, लड़के को लड़की क्यों नहीं कह रहे हो, क्योंकि लड़का लड़का है, लड़की लड़की है, लड़की को लड़की इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो लड़की है। तो अब बताओ, हमने एक बात और कही थी कि पूर्ण से पूर्ण अगर निकल जाता है तो भी पूर्ण में कोई कमी नहीं आती। माँ से 10 बच्चे आ गए, फिर भी क्या माँ में कोई कमी हुई, नहीं हुई, माँ तो माँ ही है। और ये सब हम समझने के लिए ले रहे हैं, ठीक। इसको थोड़े सूक्ष्म तल पर अगर देखोगे तो मैं किसी को प्यार करता हूँ, मैं उसको प्यार करता हूँ, प्यार तो प्यार होता है, या तो प्यार होता है या नफरत होती है, या तो प्यार होता है या प्यार नहीं होता है। अब अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ, उसको मैंने खूब प्यार किया, बहुत प्यार किया, भरपूर प्यार किया, पर इससे प्यार में कमी तो नहीं आ गई, ऐसा तो नहीं कि अब मैं दोबारा उससे प्रेम नहीं कर सकता, प्रेम कितना लुटा रहा हूँ मैं फिर भी कमी नहीं आ रही है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं थोड़ा थोड़ा प्यार करूँ, थोड़ी थोड़ी नफरत करूँ, या तो प्यार करूँगा या प्यार नहीं करूँगा, अर्थात मैं उसे प्रेम दे रहा हूँ तो प्रेम भी पूरा ही दे रहा हूँ, आधा प्रेम आधा नफरत नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जहाँ नफरत है, ईर्ष्या है, घृणा है, वहाँ तो प्रेम होगा ही नहीं। तो प्रेम क्या है, पूर्ण है, और प्रेम से क्या निकल रहा है, प्रेम ही निकल रहा है, वह भी पूर्ण है। माता पूर्ण है इसलिए माता से जो निकलेंगे वह भी पूर्ण है, लेकिन उसके बाद भी माता में कोई कमी नहीं आई, माता तो माता ही है, प्रेम में कोई कमी नहीं आई, प्रेम तो प्रेम ही है। अब अंत में जाकर के ये जो वृक्ष था इससे वापस फल आएंगे, उस फलों से वापस बीज आएंगे, वो बीज क्या अपूर्ण रहेंगे, बीज बीज है वो पूर्ण है, उन बीजों से वापस जो वृक्ष निकलेगा वह भी पूर्ण होगा। देखो, बीज से पौधा निकला, पौधे से वृक्ष निकला, वृक्ष से वापस बीज आया, फिर उससे पौधा निकलेगा, फिर उससे वृक्ष निकलेगा, फिर उससे बीज निकलेगा, जो भी निकल रहा है वे सब पूर्ण ही है। क्यों? क्योंकि जो है ये सृष्टि वह पूर्ण की अभिव्यक्ति है, और चूंकि वह पूर्ण है, ब्रह्म पूर्ण है, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति भी पूर्ण ही है, और तुम उसकी अभिव्यक्ति से अलग नहीं हो, इसलिए तुम भी पूर्ण हो, तुम में कोई खोट नहीं है, तुम में कोई कमी नहीं है। अब और ध्यान से समझना कि तुम में क्यों कमी नहीं है, क्यों तुम पूर्ण हो, तुम किस तरह से पूर्ण हो, और साथ साथ देखते जाना सब जो सामने दिख रहा है स्क्रीन पर। अभी दिन है, ठीक, दिन को दिन कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं दिन अपने आप में पूर्ण है। क्यों? अगर अभी अंधेरा हो क्या तुम इसे दिन कहोगे? अगर सूरज गायब हो जाए, चांद निकल आए, तारे निकल आए, अंधकार हो जाए, क्या तब उसे दिन कह पाओगे? नहीं कह पाओगे ना। दिन को दिन कब कहोगे? जब वो दिन होगा ही, अर्थात दिन अपने आप में पूर्ण है। लेकिन इस दिन को रात नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ये रात नहीं है। रात को रात कब कहोगे? जब वो रात होगी तो रात भी अपने आप में पूर्ण है। दिन, ये जो दिन है, क्या ये कह सकता है कि मैं रात हूं? क्या इसकी औकात है इतनी कि अपने आप को रात कह सके? होगा तो दिन, होगा तो सूरज, होगा तुझमें प्रकाश, लेकिन तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू अपने आप को रात कह सके। क्यों? क्योंकि तू अपूर्ण है, तू अपूर्ण है रात होने के लिए, तू रात नहीं है। तू दिन कह सकते अपने आप को क्योंकि तू दिन पूरा है, लेकिन तू रात पूरा नहीं है। तो दिन यदि अपने आप को रात कहना चाहता है तो इसे रात होना पड़ेगा। तो दिन जो है ये अपने आप में पूर्ण है, इसलिए इसको हीनता महसूस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार में और कुछ है ही नहीं जो अपने आप को दिन कह सके। रात अपने आप को दिन नहीं कह सकती, हाँ रात अपने आप को पूर्ण रात कह सकती है। एक बच्चा है, ठीक, बच्चा अपने आप में पूर्ण है। कोई बुढ़ा व्यक्ति है, क्या वो अपने आप को बच्चा कह सकता है? नहीं कह सकता ना। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि वो बच्चा नहीं है। और बच्चा ऐसा कहे अरे मुझ में कोई कमी है, मुझ में कोई खोट है, मुझे बड़ा होना है। क्यों बड़ा होना है? क्योंकि बड़ा इसलिए होना है क्योंकि मुझ में कोई कमी है, मैं बड़ा नहीं हूं।
अरे बड़े नहीं हो, पर तुम जो हो अभी, तुम पूरे हो। तुम अभी बच्चे हो और तुम बच्चे पूरे हो, तो तुम्हें समस्या क्या है? तुम अपने जीवन में नाचो गाओ, मस्त रहो, बड़े हो जाओगे तब बड़े हो जाना, नहीं तो आज जो बड़े हैं उनसे पूछ लो क्या वो उसमें खुश हैं? वो अपने बड़े होने में खुश नहीं है। जो बुढ़े हैं वो अपने बुढ़े होने में खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कुछ और होना चाहते हैं, इसलिए वो परेशान हैं। तो ऋषि हमसे कह रहे हैं कि तुम जो हो, तुम पूरे हो, तुम्हें कोई खोट कोई कमी नहीं है। तुम पत्थर हो तो तुम पत्थर पूरे हो। अगर पत्थर आधा पत्थर है आधी गार है, तुम उसको पत्थर कह पाओगे क्या? नहीं कह पाओगे ना। तुम कहोगे आधा पत्थर आधी गार है, तुम उसको पत्थर नहीं कहोगे। पत्थर अपने आप को पत्थर कहलवा सके, इसके लिए उसे पूरा पत्थर होना पड़ेगा। अर्थात पत्थर अगर पत्थर है तो वो पूरा है। तो अब तुम अपने आप को देखो, तुम अगर स्त्री हो, कोई पुरुष अपने आप को स्त्री कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि वो स्त्री नहीं है, पर पुरुष वो पूरा है। इसी तरह कोई स्त्री अपने आप को पुरुष नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि वे पुरुष नहीं है, पर स्त्री वे पूरी है। तो स्त्री अपने आप को स्त्री है और वो पूरी है। पर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि स्त्री कहेगी मुझे पुरुष होना है। क्यों? क्योंकि मैं स्त्री हूं, मुझ में कोई कमी है, मुझ में कोई खोट है। अरे जाकर किसी पुरुष से तो पूछो, क्या वो अपने आप में स्त्री हो सकता है? क्या वो खुद को स्त्री कह सकता है? नहीं कह सकता ना। अगर वो पुरुष है तो वो स्त्री नहीं हो सकता, और यदि वो स्त्री हो जाए तो फिर वो पुरुष नहीं रह सकता। तुम गरीब हो, पर तुम गरीब भी पूरे हो। किसी राजा के पास जाकर खड़े हो जाओ, राजा बहुत इतरा रहा है, मैं राजा हूं, मेरे पास ये है वो है फलाना ढिमका। ठीक है भैया, तुम गरीब हो, तुम कहो ठीक है, तुम गरीब होकर के दिखा दो। हो सकते हो क्या? क्या है तुम में इतनी ताकत कि तुम गरीब होकर के बता सकते हो? अपने आप को तुम गरीब नहीं कह सकते। तुम अपने आप को राजा कह सकते हो क्योंकि तुम राजा हो, पर अपने आप को तुम गरीब नहीं कह सकते क्योंकि तुम गरीब नहीं हो। और तुम में ताकत नहीं कि तुम गरीब अपने आप को कह सको। तुम्हें गरीब होना पड़ेगा, पर तुम अभी गरीब हो नहीं। तो गरीब होना भी अपने आप में एक पूर्णता है, लंगड़ा होना भी अपने आप में पूर्णता है, बहरा होना भी अपने आप में पूर्णता है। कोई व्यक्ति गोरा है, वो अपने आप को काला कह सकता है क्या? नहीं कह सकता ना। क्यों? क्योंकि वो गोरा है और गोरा पूर्ण है। लेकिन जो व्यक्ति काला है वो काला पूर्ण है, वो अपने आप को गोरा नहीं कह सकता। गोरा अपने आप को काला नहीं कह सकता क्योंकि वो काला है और अपना कालापन अपने आप में पूर्ण है। अब एक चींटी को देखो ध्यान से, ये चींटी कितनी सुंदर है अपने आप में। क्या चींटी में कोई कमी है? पर अगर तुम इस चींटी के ऊपर हाथी का सिर लगा दो, क्या तभी से चींटी कहोगे? नहीं कहोगे ना। क्यों? क्योंकि वो चींटी है नहीं। वो चींटी है अपने आप में पूर्ण है। वो अपने आप को चींटी तभी तक कह सकती है जब तक वो चींटी है। अगर वो अपने सर पर हाथी का सर लगा ले तो वो चींटी नहीं रहेगी फिर, अब वो कुछ और हो जाएगी। हाँ, अब वो जो कुछ भी हुई है वह पूर्ण हो गई है, और अभी वो चींटी है तो वो अपने आप में चींटी में पूर्ण है। कोई मेंढक है, क्या मेंढक अपने आप में पूर्ण नहीं है? मेंढक को इसीलिए मेंढक कहते हो ना क्योंकि वो मेंढक है। उसके ऊपर तुम इंसान का सिर रख दो उसके सिर की जगह पर, तो क्या वो मेंढक कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। मेंढक है और पूर्ण है, इसीलिए हम उसको मेंढक कहते हैं। लेकिन हम कैसे हैं? हम क्या करते हैं? हम चींटी के सिर की जगह पर हाथी का सिर लगाने का कोशिश करते हैं। हम कुछ होने का प्रयास करते हैं, कुछ बनने का प्रयास करते हैं। हम अभी जो हैं जैसे हैं, हम उससे संतुष्ट नहीं होते, इसलिए हमारे जीवन में दुख होता है, पीड़ा होती है। यहां ऋषि कह रहे हैं कि वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, इसलिए तुम भी पूर्ण हो। पर हम कहते हैं नहीं, हमें तो कोई कमी है, इसीलिए हम उस इनकम्प्लीटनेस को, उस अपूर्णता को भरने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन हम अपनी जो वर्तमान है, हम अभी जो हैं इसी क्षण, हम उसको नहीं देखते कि वो जो अभी है वो पूरा है। अभी चींटी हूं तो चींटी पूरी हूं, अभी दुखी हूं तो दुखी पूरा हूं, अभी खुश हूं तो अभी पूरा खुश हूं, अभी पुरुष हूं तो अभी पुरुष पूरा हूं। हम उसे नहीं देखते, हम कुछ और होना चाहते हैं। और जब हम कुछ और हो जाते हैं तो हमारी आदत क्या बन गई है कि हम जो हो जाते हैं हम उसे देखते नहीं, हम आगे देखते हैं। मेरे पास 10 लाख है, मैं 1000 पति हूं, मेरे पास 1000 है, ठीक 1000 रुपए,
मैं कहूंगा मुझे लाख चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि मैं 1000 पति हूं, मेरे पास 1000 है। हम लाखों के पीछे दौड़ते हैं, फिर क्या होता है, फिर लाखों मिल जाते हैं। अब आदत तो है नहीं हमारी जो है उसको देखने की। अब लाख लखपति हो गया हूं, लेकिन मैं लखपति हूं, लखपति पूरा हूं मैं। अब मुझ में कोई कमी नहीं है, 99,999 नहीं है मेरे पास, लाख हैं, लाख से ज्यादा है, मतलब मैं लखपति हूं। अब मैं अपने लखपति होने में खुश हो सकता हूं क्योंकि मैं लखपति हूं। पर अब मैं कह रहा हूं मुझे करोड़ चाहिए, तो मैं अभी जो हूं वो भी पूरा हूं। मैं क्या हूं अभी, लखपति हूं, लखपति पूरा हूं, पर अब मैंने करोड़पति के सपने देख लिए। तो हम जीवन में कुछ ना कुछ होना चाहते हैं। इज्जत कम है, मैं ज्यादा इज्जत पाना चाहता हूं। मुझे कम लोग पहचानते हैं, मैं ज्यादा लोगों की पहचान में आना चाहता हूं। मुझे अकेलापन महसूस हो रहा है, मैं वो हूं जिसको अकेलापन महसूस हो रहा है, और मुझे पूरा पूरा अकेलापन महसूस हो रहा है, और अकेलापन पूरा है, पूरा है। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा अकेलापन है और थोड़ा थोड़ा अकेलापन नहीं है, अभी पूरा अकेलापन है। अब मैं क्या कहता हूं, अरे मुझे कुछ और चाहिए, अकेलापन तो बुरा है। और हम कुछ और होने के पीछे भागने लगते हैं, और यही है जो हमें दुख देता है, पीड़ा देता है, क्योंकि हम अपनी पूर्णता को नहीं देखते। छोटे से छोटे कीड़े को देखो, वो अपने आप में कीड़ा इसीलिए है क्योंकि वो पूरा है, वो कुछ और हो जाएगा तो कीड़ा नहीं बचेगा। छिपकली को देखो, गिरगिट को देखो, हाथी को देखो, हाथी तभी तक हाथी है ना जब तक वो हाथी है। हाथी के सिर पर अगर तुम मेंढक का मुंह लगा दो तो क्या वो हाथी कहलाएगा? नहीं, वो हाथी इसीलिए है क्योंकि वो हाथी है और वो पूरा है। एक बार क्या हुआ, इसको ऐसे समझो, मैं कहता हूं कि एक मूर्ति बनाओ, ऐसी मूर्ति जिसकी एक आंख हो और एक हाथ हो, ठीक है, बाकी पूरा वैसा का वैसा जैसे होता है एक इंसान। अब तुमने वो मूर्ति बनाई, तुमने दोनों हाथ बना दिए, तुमने दोनों आंख बना दी। मैं कहता हूं भाई इसको पूरा करो, तुमने अभी अधूरा काम किया है। तुम कहोगे भाई पूरी तो बना दी मैंने, तुमने तो एक आंख कहा था, एक हाथ कहा था, मैंने दो दो बना दिए। मैं कहूंगा इसीलिए वो अधूरी है, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो एक आंख और एक हाथ वाली है। तो इसलिए अभी ये जो तुमने मूर्ति बनाई है ये अपूर्ण है। अब देखो, हम जिस तरह जिसको हम पूरा कहते हैं, अगर उस तरह से देखें तो मूर्ति पूरी है क्योंकि दोनों आंखें दोनों हाथ है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैंने जो काम दिया है वो काम था एक आंख और एक हाथ वाली मूर्ति का, तो वो काम अभी तुमने पूरा नहीं किया। तो अभी जो तुमने काम किया है वो अपूर्ण है। पूर्ण कब होगा? जब ये एक आंख और एक हाथ वाली होगी। तो मैं दूसरे मूर्तिकार के पास जाता हूं, वो इस मूर्ति से हाथ निकालता है, एक आंख निकालता है और ठीक ठाक कर देता है और कहता है लो आपका काम हो गया पूरा। अब मूर्ति क्या हो गई? पूर्ण हो गई। अब मैं संतुष्ट हूं। क्यों संतुष्ट हूं? क्योंकि जो चाहिए था वैसा है, एक हाथ एक आंख वाली मूर्ति चाहिए थी वो पूरी है। अगर दोनों हाथ दोनों आंख लगा दी तो मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो अपूर्ण है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी। तो ये पूर्णता का खेल बड़ा अजीब है, अलग है, मस्त है, सुंदर है। धूल के कण को भी उठाओ, रेत के कण को उठाओ, उसको अगर तुम 10 किलो पत्थर के साथ जोड़ दो उस कण को, क्या वो कण रह पाएगा? क्या तब तुम उसे कण कह पाओगे? उसको तुम कण तभी तक कहते हो जब तक वो एक कण मात्र है। और वो कण की पूर्णता कब है? जब वो कण है। अगर कण एक बड़ा सा पत्थर हो जाए, एक बड़ी सी चट्टान हो जाए, तो वो कण थोड़ी ना रहा। अब वो चट्टान हो गई और चट्टान पूरी है। चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दो तो वो चट्टान रही क्या? अब वो कण हो गए। अब कण अपने आप में पूर्ण है। अगर चट्टान हो गई तो चट्टान पूर्ण है। तो इस समस्त संसार में जो कुछ भी है, हरा पत्ता इसीलिए उसको हरा कह रहे हो क्योंकि वो हरा है, और सूखा पत्ता भी अपने आप में पूर्ण है, वो सूखा अपने आप को इसीलिए कह पा रहा है क्योंकि वो सूखा है। हरे पत्ते की इतनी औकात नहीं कि वो अपने आप को सूखा कह सके। क्यों? क्योंकि वो हरा है, और हरा होना उसकी अपने आप अपनी पूर्णता है। इसी तरह सूखे पत्ते का सूखा होना उसकी पूर्णता है। उसको रोने की क्या जरूरत, भाई मैं सूखा हूं, संसार में मुझ जैसा कोई नहीं। अब वो जब हरा था तब भी पूर्ण था, ठीक, उसकी पूर्णता इसमें थी कि मैं हरा हूं। अब वो टूट गया, अब वो पीला पड़ गया, अब वो कह रहा मैं पीला हूं। अब वो उसकी पूर्णता किसमें है कि मैं पीला हूं। अब वो पीला होने के लिए उसने कुछ नहीं किया, बस अपने आप प्रकृति का काम है, चल रहा है। वो पीला हो गया तो पीले में संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि वो पीला भी पूरा है।
अब थोड़ी देर में सूख जाएगा। वो कहेगा, मैं अब भी संतुष्ट हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सूखा हुआ पत्ता हूँ। वो पूर्ण है। क्यों है? क्योंकि वो सूखा है। हरा पत्ता जो हरा है, गीला है, वो अपने आप को सूखा नहीं कह सकता। गंदगी को भी तभी गंदगी कहोगे जब वो गंदगी है। इसीलिए गंदगी भी अपने आप में पूर्ण है, क्योंकि वो गंदगी है। अगर गंदगी गंदगी ना रहे तब वो अपूर्ण हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसमें से खुशबू उठ रही है, वो गंदगी रही नहीं। तो अब क्या करें? कुछ मत करो। जो हो तुम वह हो, वह तुम्हारी पूर्णता है। उसमें शांत रहो, मौन रहो, ध्यान में रहो और सहज जीवन जियो। निष्काम कर्म करो। अब तुम जो हो, तुम कुछ होने की फिराक में कुछ नहीं कर रहे हो। तुम अगर लंगड़े हो तो तुम कह रहे हो कि मैं लंगड़ा हूं। भाई तू होके दिखा, लंगड़ा अपने आप को कहकर दिखा। तू नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि तू लंगड़ा नहीं है। पर अगर तुम लंगड़े हो तो तुम कहोगे, लंगड़ता मेरी पूर्णता है। मैं लंगड़ा हूं और मैं पूरा लंगड़ा हूं। अगर मेरे दोनों पैर ठीक होते तो मैं लंगड़ा कह पाता क्या अपने आप को? लंगड़ा हूं और पूरा हूं। हाँ, असुविधाएं हो रही हैं, इसको हम काम कराते रहेंगे, ठीक हो जाएगा, तब हम लंगड़े नहीं रहेंगे, वो भी हमारी पूर्णता है। तो ऐसे जीवन जियो, उसमें निष्कामता आएगी। क्यों? क्योंकि अब तुम कुछ होने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, अब तुम बस कर रहे हो। तुम जो हो उससे संतुष्ट हो, इसलिए अब कुछ भी होने के लिए, कुछ बनने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। जब ऐसा कुछ होने या कुछ बनने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो और अपने आप को पूर्ण जान रहे हो, तो तुम में हीन भावना पैदा नहीं होगी। वह हीन भावना ही तुम्हें पीड़ा देती है, दुख देती है। जब तुम दूसरे के जैसा होने का प्रयास करते हो अपने आप की अपूर्णता को जाने बिना, तो यहाँ बच्चा भी पूर्ण है, स्त्री भी पूर्ण है, पुरुष भी पूर्ण है, पक्षी भी पूर्ण है, कीड़ा भी पूर्ण है, चींटी भी पूर्ण है, मछली भी पूर्ण है, हाथी भी पूर्ण है, पेड़ भी पूर्ण है, पत्ता भी पूर्ण है, एक कण भी पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है। उसको जो आप नाम दे रहे हो वो इसीलिए दे पा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो वैसा है। जल को इसीलिए जल कह पा रहे हो क्योंकि जल जल है। जब तक वो जल है तभी तक उसको जल कह सकोगे। जब वो जल नहीं रहेगा तब उसे जल नहीं कह पाओगे। तो ये पूर्णता का खेल, इसमें तो जितना बोलो उतना कम है। अगर कोई सवाल उठे मन में तो पूछिए और अपने अंदर से वह हीन भावना निकाल फेंकिए और जानिए कि तुम पूर्ण हो। वह पूर्ण है, तुम उसकी अभिव्यक्ति हो, इसलिए तुम भी पूर्ण हो और तुमसे जो निकलेगा वह भी पूर्ण होगा। कली भी पूर्ण है, कली के फुट जाने पर जो फूल निकलेगा वह फूल भी पूर्ण है। बीज भी पूर्ण है, बीज के बाद उससे जो पौधा निकलेगा वह भी पूर्ण है, जो वृक्ष निकलेगा वह भी पूर्ण है। गाय भी पूर्ण है, उसका बछड़ा भी पूर्ण है। यहाँ सब कुछ पूर्ण है।